जय श्री राम। यह है फास्ट्रैक की स्मार्टवॉच जुपिटर प्रो। डाउन स्लाइड पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है डोंट डिस्टर्ब फीचर, देन आता है ब्राइटनेस, कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, देन आता है लो पावर मोड, आप इसको लो पावर मोड को ऑन कर सकते हैं, 3 सेकंड प्रेस करने के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है, देन आता है लिफ्ट टू व्यू फीचर, तो यहाँ से आप इस फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद है फ़ोन फीचर, फ़ोन कॉल ऑन कर सकते हैं, मीडिया ऑडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, जो ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है आप डीएक्टिवेट और एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग, सेटिंग में आपको 4 वॉच फेस देखने को मिलते हैं पहले वॉच फेसेस में, तो यहाँ से आप कोई भी वॉच फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। देन सेटिंग में जाएंगे, स्क्रीन टाइम आता है इसमें 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 30 सेकंड तक का इसमें टाइम सेट हो जाता है। देन आता है मेनू स्टाइल में आप लिस्ट, ग्रिड, सर्कुलर, हनीकॉम, सिंगल रो, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। इसके बाद आता है वाइब्रेशन इंटेंसिटी, वाइब्रेशन इंटेंसिटी यहाँ से आप सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ कर सकते हैं। देन आता है एओडी फीचर, एओडी फीचर को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, ये आपकी बैटरी काफ़ी कंज्यूम करता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कीजिए। डिजिटल या एनालॉग आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये देखिए आपको लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। देन अगर अगेन आपने सेटिंग में जाना है एओडी, अगर आप एनालॉग करना चाहते हैं यहाँ से आप इसे एनालॉग भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए तो बहुत ही खूबसूरत लुक में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है साउंड सेटिंग, यहाँ से आप साउंड सेटिंग, रिंगिंग या फिर वाइब्रेशन दोनों रख सकते हैं। फ़ोन सेटिंग मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद है क्यूआर कोड, तो एप्लीकेशन कनेक्टिविटी के लिए क्यूआर कोड यहाँ पे दिया गया। पावर ऑफ है, रीसेट है वॉच को रीसेट करने के लिए कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में। अबाउट में आपको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। देन आता है रीस्टार्ट, तो ये सेटिंग्स के फीचर्स हैं। अब हम लेफ्ट लाइट करते हैं, सबसे पहले स्टेप काउंटिंग आ रहा है, कैलरी बर्न्स का आ रहा है, इसके बाद है स्लीपिंग मॉनिटर, देन आता है हार्ट रेट फीचर्स का, देन आता है वेदर, देन आता है म्यूजिक कंट्रोलर। तो ये इसमें आपको लेफ्ट स्लाइड पे राइट स्लाइड करेंगे तो सबसे पहले माई फिटनेस में आप स्टेप काउंटिंग, कैलरीज का देख सकते हैं। मल्टी स्पोर्ट्स मोड में आप मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। देन आता है मल्टी स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, इसमें जो भी रिकॉर्ड्स आपने परफॉर्म किए होंगे वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद स्लीप मॉनिटर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन मॉनिटर है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, फोन फीचर्स है, देन आता है AI वॉइस, देन है गेम्स, गेम्स में आप 4 डिफरेंट गेम्स देख सकते हैं, जो भी आपको गेम खेलना हो यहाँ से खेल सकते हैं। इसके बाद आता है गेम्स के बाद म्यूजिक, म्यूजिक के बाद है कैमरा, कैमरा फीचर्स को आपने एक्सेस करना है तो एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, वो आपके फ़ोन फीचर को, फ़ोन का जो कैमरा है उसको कंट्रोल करता है। देन आता है ब्रीथ, ब्रीथ में आप इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट जितना आप चाहें। देन आता है वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। देन आता है अलार्म, अलार्म आप इसमें 10 अलार्म ऐड कर सकते हैं। देन आता है स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, यहाँ से प्ले होता है, यहीं से स्टॉप होता है, यहाँ से रीसेट हो जाता है। देन आता है टाइमर फीचर, टाइमर आप जितनी देर का टाइमर सेट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आपको स्टॉप करके रीसेट। देन टाइमर के बाद आता है फोन फाइंडिंग फीचर, देन आता है फ्लैश लाइट, और इसके बाद आपको लास्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। देन आता है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब फीचर इसमें देखने को मिलते हैं। अप स्लाइड पे नोटिफिकेशन, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आया होगा किस तरह की लुक देखने को मिलती है, ये डिलीट कर सकते हैं। तो ये इसके वॉच के जनरल फीचर्स हैं। वेयरअप में आपको लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। बेसिकली जो इसमें एओडी फीचर्स है, एओडी के साथ लिफ्ट टू व्यू भी प्रॉपरली वर्कआउट करता है। तो अगर कोई क्यूरीज हो कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय भारत।